दोस्तों, मैं आज आपको फूटे हुए घड़े की एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके सपोर्ट से मैं और अधिक वीडियो बना सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायक ये कहानी है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर के समय दूर झरने से स्वच्छ पानी लेने के लिए जाया करता था। इस काम को करने के लिए वह अपने साथ दो घड़े ले जाया करता था, जिसे एक डंडे के सहारे से बांधकर अपने कंधों पर लटका देता था। इन दोनों घड़ों में से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से किसान के घर डेढ़ घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, और ऐसा लगभग 2 साल तक चलता रहा। इस दोनों घड़ों में से जो घड़ा सही था, उसे इस बात का घमंड था कि वो किसान के घर पूरा का पूरा पानी पहुंचाता है और उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचाता था और किसान की मेहनत बेकार चली जाती होगी। अंत में उस फूटे हुए घड़े में परेशान होकर किसान से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी किसान ने पूछा, क्यों, किस बात से तुम शर्मिंदा और परेशान हो? तभी फूटे हुए घड़े ने दुखी से कहा कि शायद आप नहीं जानते होगे, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझसे जितना पानी पहुँचना चाहिए था, बस उसका आधा ही घर पहुँच पाता है। मेरे अंदर से ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। उसके बाद घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ हद तक दूर हुई और घर पहुँचते पहुँचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से फिर क्षमा मांगने लगा। किसान ने मुस्कुराते हुए घड़े से बोला कि शायद तुमने ध्यान नहीं दिया है, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ तो एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए और तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके इन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज तुम्हारी वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर भी सुंदर लगता है इन फूलों की वजह से। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है, पर यही कमियाँ हमें अनोखों बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसके अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा हुआ घड़ा भी अच्छे घड़े की मूल्यांकन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, और हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।